वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिएगा, मैं यहाँ पर हूँ उत्तराखंड के अंदर, यानी कि देहरादून के अंदर, और देखिए काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो पढ़ते हैं यार, मैं आज उनके घर पर यहाँ पर रुका हुआ हूँ, और बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे हैं। देखिएगा, मैं यहाँ आता हूँ, कहीं भी मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो ये सब हमारे साथ में रहते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा घुमाते हैं। जो चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को शूट किया हुआ है। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ का जो लेवल है एजुकेशन का, वो अदर स्टेट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड बंदे भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, जो बूढ़े बड़े हैं यार, वो भी बड़े मतलब ब्रिलियंट और टैलेंटेड होते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने शूट किए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं पता था, और मुझे नहीं पता वो ऐसा सब क्यों होता है। बट और इसके साथ देखिए यार, सच में आपका इतना ज़्यादा प्यार जो मिल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत खतरनाक है। अभी मैं यहाँ पर आया, देखिए थोड़ा रूम दिखा दीजिए हमारे सर का। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब मैं यहाँ पर उत्तराखंड में घूमने के लिए कहीं पर भी जाता हूँ, तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं ना यहाँ पर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी मुझे जानने वाले आराम से मिल जाते हैं। अरे आप तो राम सर हैं ना, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। मैं बोलता हूँ हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा भी उनको कभी नहीं बोलता कि आप जो है अपने दोस्तों को बताइएगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, या फिर वो मिलने के लिए आए। देखो प्रॉब्लम होता है ना कि हम लोग अपने काम के लिए यहाँ पर आए हैं और बेसिकली आपको परेशान किया जाए, ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ गलत है। और जब भी हम अगली बार आएंगे तो जाहिर है कि आप लोगों से सबसे मैं जो है मुखातिब रहूँगा। दो दिन और वीडियो शूट रहेंगी, कल और परसों, उसके बाद में आपको नंबर वाई नंबर आपको मैं सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी पर ही सारी वीडियोज़ आएंगी। सबको आप देख लेना, सभी के मैं आंसर्स दूंगा, सबको नीचे जैसे डिस्क्रिप्शन जो भी होता है वो सब आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यार, जीवन के अंदर मैंने पैसा बहुत कमाया नहीं मतलब धुआंधार कमाया, लेकिन यूट्यूब ने यार बाकी में मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसने इतना बड़ा इज्जत दिया कि साला ट्रेन में जाओ तो जान पहचान वाला मिल जाता है, चाहे आप देहरादून में आ जाओ, चाहे किसी गांव में चले जाओ, चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं पर भी जाओ, वहीं पर जान पहचान वाला। यार ये सब पता है क्यों हुआ? ये सब आपकी वजह से हुआ। और देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हर्षवर्धन जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, और बेसिकली ये हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये बताइएगा, आपको यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर आया तो आपको अच्छा लग रहा है कि बेकार लग रहा है कि यार राम सर ये और आ गए? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे फर्स्ट टाइम तब मिला था जब मैं फर्स्ट टाइम एयरफोर्स एक्स ग्रुप क्वालिफाई किया था, तब मैं आपसे मिलने मसूरी गया हुआ था। राइट। उसके बाद मैं आपसे यहाँ सेकंड टाइम मिल रहा हूँ देहरादून में, और बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। अच्छा, आपका बेटा एक्स ग्रुप में क्या प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए थोड़ा सा। एक्स ग्रुप में प्रॉब्लम मेरा ये हो गया था कि जैसे मेरा मार्क्स वगैरह सब कुछ सही था, और मेरा इनरोलमेंट लिस्ट में नाम भी आ गया था, और ज्वाइनिंग के लिए हमारा 30 दिसंबर को बुलाया गया था। अच्छा अच्छा। और जब मैं गया था उस दिन ज्वाइनिंग के टाइम पे, ज्वाइनिंग डेट पे, तो उस समय मेडिकल हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उस समय हमें मेडिकल पॉइंट मिल गया था रिगार्डिंग सर्जिकल पॉइंट, तो फिर थोड़ा तो दुख हुआ कि मेडिकल में नहीं जा पाए, लेकिन इतना था उम्मीद कि मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो मुझे जो है भेज दिया जाएगा। लेकिन जब मेरा मेडिकल हो गया चंडीगढ़ में कमांड हॉस्पिटल, चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में हमारा री मेडिकल था, मेरा एक फ्रेंड था आशीष जो कि राजस्थान से है, उसको डीएनएस की पॉइंट थी और मेरा सर्जिकल पॉइंट था, तो मेरा क्लियर हो गया मेडिकल और उसका क्लियर नहीं हो पाया था। और मेरे ज्वाइनिंग के समय पे तीन बंदों को मिला था री मेडिकल, जिसमें हम दो का क्लियर हो गया था। चलिए आप अपनी बात करें। हाँ, उसके बाद जो है मुझे बुलाया नहीं गया। अच्छा अच्छा। यानी कि आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर भी आ चुका था। देखिए बेसिकली इनके साथ क्या हुआ था पता है, यानी कि इनका जॉइनिंग लेटर आ गया था, ये जॉइनिंग पर जा भी चुके थे। जब ये जॉइनिंग पर जा अपने सेंटर पर पहुंचे थे जहां इनको जॉइनिंग करना था, कौन सी जगह होता आपका? मेरा ज्वाइनिंग अम्बाला में था, ASC 1। राइट, अम्बाला चंडीगढ़। लेकिन सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, हमारे कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि जब आपका हो सकता है स्टैंड बाई में है और इसलिए आप नहीं गए। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, स्टैंड बाई में मेरा था और मेरा क्लियर नहीं हुआ स्टैंड बाई, तो उन्हें एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उन्हें बता देना चाहिए था कि आपका स्टैंड बाई क्लियर नहीं है, आपको री मेडिकल नहीं दिया जाएगा। मुझे ये अच्छा जरिया है कि मैं ताकि अपने दोस्तों को बता सकूँ,
अगर मेरा स्टैंड बाई क्लियर नहीं हुआ था तो उस समय मुझे रीमेडिकल नहीं देना चाहिए था। Absolutely. मैं उम्मीद 6 महीना करके अपना ग्रेजुएशन छोड़ा इसलिए कि मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। उन्हें तभी बता देना चाहिए था ना रीमेडिकल क्यों दिए। अच्छा, इससे पहले आप ग्रेजुएशन कौन सी कॉलेज? ग्रेजुएशन मैं कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी देहरादून में ही है सर। भाई देखिए, मैंने इसका ना अभी एक वीडियो शूट किया था, वहाँ के जनरल नॉलेज आईक्यू लेवल चेक किया था, खतरनाक यार, जंगलों में तो वो कॉलेज है। और मुझे लगता है देहरादून की सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट, सबसे ज्यादा महंगी जो कॉलेज है ना सर, वो यही है। जब मैं ये, हाँ, जब मैं ये एग्जाम निकाला था तब मैं 4th semester में था और मैं सोचा कि अब कॉलेज छोड़ देता हूँ, मेरा हो गया एग्जाम और मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, मैं अब ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। यानी और देखिएगा, सच में मैं इनका जो जॉइनिंग लेटर मैंने खुद देखा हुआ है और ये जा चुके थे वहाँ पर, उनको जो है इनको फीवर था इसलिए रीमेडिकल के लिए भेज दिया। रीमेडिकल भी इनका क्लियर हो गया था लेकिन उसके बाद भी इनका जॉइनिंग नहीं हो पाया था। बेसिकली एक और चीज़ देखिए, जिस ये यूनिवर्सिटी में बता रहे ना, जिसको मैं अभी आज ही मैं गया था वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, यार मतलब इतना ज़्यादा महंगा, इतना ज़्यादा खर्चा है यार। मेरा तो बचपन का ड्रीम था कि मैं देहरादून में पढूं। फीस था, लेकिन एक साल का कितना खर्चा था? एक साल का सर फीस तो अगर ओवरऑल 4 इयर्स का देखा जाए तो आपका हॉस्टल और पढ़ाई लेकर के टोटल 24 लाख समथिंग आएगा। कम से कम 25,000 का खर्चा था। नहीं नहीं, 25 लाख सर, 25 लाख रो, अरे माय गॉड, बहुत ज्यादा खर्चा था हॉस्टल फीस लेकर के। अच्छा देखिए, अब जो आपसे जो मिस्टेक हुआ था या फिर नहीं हुआ था, आप क्या कहना चाहेंगे जो एयरफोर्स नेवी के स्टूडेंट है उनको, कोई चीज जो? जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर कोई भी चीज एग्जाम निकालना है ना, कल क्या होगा उसका मत टेंशन करो, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा, मेरा PSL में आएगा कि नहीं आएगा, इनरोलमेंट लिस्ट में नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं है। सब आपका डिपेंड करता है मेहनत। आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतना आप सेफ रहेंगे। और मतलब ज्वाइनिंग के टाइम तो आप ऐसा फिट रहिए कि आपको कोई मेडिकल पॉइंट ना मिले, ठीक है? और आप कोशिश करिए कि स्टैंड बाई में ना आए। हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, कॉन्फिडेंस रखें। राइट, देखिएगा सर ने एकदम सही तरीके से सब कुछ समझा दिया। बेसिकली मैं सर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इन्होंने जैसे 4 साल का BTech होता है, इन्होंने 2 साल क्लियर, 3 साल किया था, 2 साल कम्प्लीट, 2 साल कम्प्लीट था, तीसरी में आने वाले थे। और सोचिए, कॉन्फिडेंस के साथ छोड़ दिया था, छोड़ भी दिया, ज्वाइनिंग हो जाएगी। सोचिएगा मतलब उसके लिए, क्योंकि इनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यार, सच में आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपना काम करिएगा और देखो जिंदगी में खुश रहा करो यार। मतलब मैं बताऊँ ना, मैं इनसे मिला और बस चलते फिरते ऐसी मुलाकात हो गई, क्योंकि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, चैनल से पढ़ते थे और इतना ज़्यादा इज्जत कि अगर मेरा मैडम है या फिर मेरे पेरेंट्स हैं ना, अगर वो कहीं पर जाते भी है ना, तो वो ईजिली क्या होता है कि आराम से जो है उनको कोई ना कोई रिसीव करने वाला मिल जाता है। आप, मैं बोलता रहा हूँ, आप कहीं पर भी चले जाइएगा, अब जो फिलहाल में जो ज्वाइनिंग हो रही है ना, SSR हो या फिर एयरफोर्स हो, उसमें 80% वो हैं जो आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं वहीं से पढ़ करके वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। चलेगा, आप अपने मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी टॉपिक है, आप उत्तराखंड जो देहरादून में अगर कहीं पर भी कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं सर, वहाँ जा करके उस ऑफिस में जा करके बातचीत करेगा, या फिर ट्रैफिक पुलिस का कोई भी क्वेश्चन रहे या फिर ट्रैफिक का यहाँ पर समाधान देखना चाहते हैं, कोई भी हो, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। चलेगा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि काफ़ी कमेंट मैं देखता रहता हूं, कोई भी चैनल हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, या सर का ही चैनल हो, काफ़ी भाइयों और दोस्तों का कमेंट आता रहता है कि सर मैं इंग्लिश कैसे पढूं या मैथ कैसे पढूं, फिजिक्स कैसे पढूं, काफ़ी डाउट होते हैं आप लोग के। लेकिन देखिए, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैं भी आप लोग की तरह हूँ, मैं भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ और मेरा फिलहाल अब ओवर एज हो चुका है, एज अब मैं नहीं दे सकता दोबारा एग्ज़ाम। और जैसा कि आप लोगों को पता है, अब एयरफोर्स का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? जो भी आप लोगों के पास 5-6 दिन बचा है, ठीक है, उसमें करना बस इतना है कि आप लोग जो पढ़ रखे हैं उसको रिविज़न करिए। नई नई टॉपिक कोई रिविज़न नहीं करना है। और एयरफोर्स में क्या है कि नेवी से हट के थोड़ा लेवल है, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड आप देखिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, है ना? और डायमेंशन है तो डायमेंशन में भी थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, यानी डायरेक्ट याद कर लिए, हाँ वेलोसिटी का LT-1 होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं याद करना है, आप सोचिए LT-1 क्यों होता है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, है ना? और ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कोई नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, ठीक है? तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, सब पॉसिबल है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। देखिएगा सर ने एकदम सही तरीके से सब कुछ समझा दिया और ओवरऑल बस मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस शूट हो चुकी हैं और वो बैक टू बैक आती रहेंगी, आप चैनल पर देख भी सकते हैं। देखो बेसिकली क्या, इन सबसे हमें जो है ज्ञान बढ़ता है, सीखने की इच्छा होती है। चलिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं।
बहुत सारी वीडियोस जो अभी हमने देहरादून में शूट किए हैं वो सारी आप वीडियोस कुछ टाइम के बाद देख सकते हैं जैसे मैं यूपी में आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।